हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल का हलवा। और ये जो मूंग दाल का हलवा है, ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि आप शादियों में जाकर खाते हैं। तो आज हम इसकी रेसिपी देखेंगे, हम इसे घर पे कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बनाया है और ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे देख पाएंगे, आपके पास एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मूँग की दाल, जिसे मैंने भिगो कर रख दिया था 2 घंटे के लिए। और इसके बाद हमें इसे पीसना है। इसके लिए हम डाल देंगे इसे मिक्सिंग जार में। और साथ में डाल देंगे 1 या 2 टेबल स्पून पानी, ज़्यादा पानी आप ना ऐड करें इसमें। और इसके बाद हमें इसे पीस लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है और मैंने इसे बिल्कुल फाइन नहीं पीसा है, ये मैंने इसे थोड़ा दरदरा पीसा है। और अब हम इसे कुक करेंगे। तो इसके लिए हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 कप देसी घी। आप घी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे पीसी हुई दाल, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए आप कोशिश करें कि आप इसे नॉनस्टिक के बर्तन में ही बनाएं, क्योंकि ये बॉटम पे बहुत चिपकते हैं। और अगर आप इसे किसी और बर्तन में बना रहे हैं तो आप इसके लिए इसमें 1 या 2 चम्मच बेसन ऐड कर दें, जिससे कि ये बॉटम पे नहीं चिपकेंगे ज़्यादा। तो अब हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा गीला है, और जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये थोड़ा ड्राई होते जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊँगी इसका टेक्स्चर। ये देखिए, इसे भूनते हुए मुझे 5 से 10 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर कितना चेंज हो गया है। ये पहले से कितना ड्राई हो गया है। और इसे हमें इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसे आप इस तरह से चलाते रहें। तो ये देखिए, इसे भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गया है, और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर पहले से कितना चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। और अभी हमें इसे और भूनना है जब तक इसमें से घी रिलीज़ नहीं होने लगता। तो ये देखिए, अब ये दाल जो है वो घी रिलीज़ करना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, पूरा घी जो है वो रिलीज़ हो गया है। 1 मिनट के लिए और पकाएंगे हम इसे लो फ्लेम पर। अब इसका टेक्सचर देख सकते हैं, पूरा जो घी है वो रिलीज़ हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी, और इसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 300 ml इसमें दूध ऐड किया है। आप चाहें तो दूध की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसमें 1/2 दूध या फिर आप 1/2 पानी भी ऐड कर सकते हैं। और दूध ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है, इसे छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे लग जाएंगे बॉटम पर। इस तरह से आप इसे लगातार चलाते रहें। और अगर आपके पास केसर है तो आप उसे दूध में भिगोकर इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी 2 पिंच। और इसे फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरा घी नहीं छोड़ देता। ये जो हलवा है इसे हमें तब तक पकाना है लो फ्लेम पर। और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप खोया। ये मेरा घर का होममेड खोया है, इसलिए ये ब्राउन है। इसे डालकर हम मिक्स करेंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर। और यहाँ पर मेरे पास है कुछ मेवे, काजू और बादाम जिसे मैंने काट लिया, इसे भी ऐड कर देंगे। और इसके कलर को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे इसका जो एक्चुअल कलर है वो आ जाएगा। तो ये देखिए, हलवा बिल्कुल बन के रेडी है, पूरा घी इसमें से रिलीज़ हो गया है। आप देख सकते हैं कि साइड साइड में पूरा घी है, हलवा ने घी छोड़ दिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मूंग दाल का हलवा बन के रेडी हो गया है। आप भी इसे घर में ट्राई करें, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।